अस्सलाम वालेकुम। पाक दुबई टूर में वेलकम सब दोस्तों को। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कटा फार्मिंग के मुतालिक, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, जिनका ये वंडा है छज्जी मार। और छज्जी मार सादका बाद में मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि ये वंडा तुम यूज़ करो तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मीट प्लस वंडा 9 नंबर छज्जी मार का, वो अपने दोस्त के कहने पे मैंने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कट्टों को पहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनकी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। तो वो आपको मैं वंडा भी दिखाऊंगा और साथ में कट्टों की वीडियो भी सारी दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है मेरे कट्टे। सात का बाद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है छज्जी मार का, महीउद्दीन वो दोस्त था मेरा, तो उसके मशवरे से मैंने ये यूज़ किया है। माशाल्लाह बहुत मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद भी यही था कि जो दोस्त कटा फार्मिंग कर रहे हैं वो दूसरे वंडों को छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ छज्जी मार वंडा इस्तेमाल करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। छज्जी मार का वंडा 1 किलो सुबह 1 किलो शाम तूड़ी के ऊपर हम दे रहे हैं अपने जानवरों को, और अब जैसे जैसे ये बढ़ोतरी कर रहे हैं तो अपने सब कट्टों का जो है ना वो मैं 1 किलो से अब 1.5 किलो पे लेके आ रहा हूँ। आज शाम की जो फीड है वो इनको 1.5 किलो मिलेगी फी जानवर को, देख सकते हैं आप। ये है जी वंडा जो मैं यूज़ करवा रहा हूँ, मीट प्लस छज्जी मार 9 नंबर, और ये अंदर से कुछ इस तरह का है। ये हमने डब्बा रखा हुआ है, ये 1 केजी का है, तो इससे हमें जो है ना वो पता चल जाता है कि हमने कितने दिन जानवरों को। मैंने काफ़ी सारा ये लेके आया था, अब तो बस तकरीबन 10 बैग बाकी हैं, बाकी ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह सब दोस्त ये डालें, आपको फ़ायदा मिलेगा। शुक्रिया डॉक्टर खालिद परवेज साहब का, जिनका ये वंडा है। माशाल्लाह जी मेरे जानवर तो खुश हैं। जो दोस्त कटा फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं मेरे फार्म पे आके विज़िट कर सकते हैं। तहसील सादकाबाद, गांव का नाम है 148 चक 148 पी में ये मेरा फार्म है। जो दोस्त भी आना चाहें आके विज़िट कर सकते हैं, कमेंट्स में कोई बात हो पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।